तालियां। और मैं बुलाता हूँ, आगाज करता हूँ, 4 नवंबर वाली फीलिंग आ गई जब मुझे लॉन्च किया था आपने, और आज देखिए मतलब शेर को लॉन्च किया था, आज वो शेरनी लॉन्च हो रही है, और वो शेरनी भी मैं आपसे फिर कह रहा हूँ दोस्तों, वो भी धमाका करेगी अपनी मेहनत के बलबूते पर। जोरदार स्वागत होना चाहिए, देखिए मुकाबला टक्कर का है मेरे दोस्तों। और ये सबसे बड़ी देखो अब धमाकेदार लॉन्चिंग है, कितने हजार विद्यार्थियों के बीच में मैं बुलाना चाह रहा हूँ अनुकृति मैडम को। आइए अनुकृति, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, बढ़िया हूँ सर, आप सब कैसे हैं? हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू उत्कर्ष क्लासेस, आई एम अनुकृति चौहान, मैं लेने वाली हूँ आपकी इंग्लिश की करंट अफेयर्स की क्लासेस। जल्दी से सबको जोड़ लीजिए और इस क्लास को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, नया रिकॉर्ड बनाना है हमें दोस्तों, नया रिकॉर्ड। मतलब देखो अनुकृति मैडम जो है वो भी आपको बता दूं पहली बार YouTube पे आने वाली है, और अभी हमारे क्लास 9 to 12 जो है, जो हमारी ऑनलाइन स्कूल के पाठ्यक्रम है, उसमें आप इंग्लिश मीडियम की क्लास लेते हैं। हमारे कई सारे इंग्लिश के ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे थे सर इंग्लिश का शो पूरा एक अलग से भी शो इंग्लिश का करो, तो करंट अफेयर्स की क्लास इंग्लिश मीडियम के अंदर हमारे उत्कर्ष इन इंग्लिश नया चैनल जो होगा उस पे 1 फरवरी से मैडम लेके आने वाली है। न केवल करंट अफेयर्स की क्लास मैडम लेके आने वाली है, इसके साथ में और भी कई सारी क्लासेस इंग्लिश मीडियम की लाने वाले हैं। इंग्लिश मीडियम के आने वाले दिनों में हमारे कोर्सेज भी हम लॉन्च करने वाले हैं, तो उस इंग्लिश मीडियम की करंट अफेयर्स वाली क्लास में बहुत धमाकेदार चीजें होने वाली है। अनुकृति आप बताओ उत्कर्ष के विद्यार्थियों के लिए आप क्या कहना चाहोगे, सुबह सुबह इतने लोग लाइव आ जाते हैं। मैं सबसे पहले तो सर इनका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। कुमार सर आपकी क्लास कहाँ पहुंच गई है, फूल पत्ती वाली क्लास। उम्मीद करती हूँ मेरी क्लास को भी आप इतना ही पसंद करेंगे, इतना ही हमारे साथ जुड़ेंगे, शेयर कीजिए, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने मन से आप सब मुझे वेलकम कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। देखो शानदार वेलकम हो रहा है और सब बच्चे कह रहे हैं बिल्कुल शेरनी आ गई है, तो देख लो मेरे राइट की तरफ मेरा शेर है, लेफ्ट की तरफ शेरनी है, और दोनों मिलके तो एक बार जो है ना, क्योंकि कई लोग जो है कहते हैं भाई नए नए लोग हैं क्या होगा कैसे होगा है ना, और इनके बस की बात नहीं है समझ गया मैं क्या कहना चाह रहे हैं आप, तो सब बस की बात है, एक बार वो हो जाए डायलॉग बिल्कुल, तीनों मिलके बोले बिल्कुल, मतलब थोड़ा बहुत मुझे भी तो तैयार होकर आइए। मैं तो ये सोच रहा हूँ मेरे दोस्तों कि जो मैदान में मैं उतरा था मैदान में बच्चे की तरह, मतलब ये उतर रही है शेरनी की तरह, मतलब मैं कह रहा हूँ भविष्य में धमाका होगा इंग्लिश के अंदर भी। भाई इसकी जो है ना क्लास, कुमार की क्लास देख लेना, वो 4 नवंबर 2019 वाली क्लास जो थी उसमें आपको ऐसा लगेगा कि बेचारा कौन सा छोटा सा कोई मतलब मिमियातवा बकरी को हमने लाके खड़ा किया है, लेकिन विद इन 5-7 डेज के अंदर जो इंप्रूवमेंट किया, क्योंकि कंटेंट इसके पास था, मेहनत इसने करी। अनुकृति भी बहुत शानदार मेहनत करने वाली है, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए पूरे देश में ये भी छा जाने वाली है, हम पूरा इनको सपोर्ट करेंगे लगातार, अभी रोजाना प्रैक्टिस आप कर रही हैं, और 1 फरवरी को जो है वो इंग्लिश के चैनल के ऊपर ये आने वाली है। तो आपके इंग्लिश मीडियम के जितने विद्यार्थी हैं सबको बता दो उत्कर्ष का इंग्लिश का अलग से चैनल आने वाला है, जिसमें इंग्लिश मीडियम के अंदर ही सारी क्लासेस होने वाली है। तो शानदार आपने आगाज उसका कर लिया है, और निश्चित रूप से, और मैं सही बता रहा हूं कुमार, जो बार बार रोजाना जो आपको जो मंजिल ने हौसलों से कहा वाला जो डायलॉग आपको सुनाता है, ये कई लोगों के रग रग में बसा हुआ है, और कई सारे विद्यार्थी ऐसा कहते हैं कि सर वो जो 4 लाइन थी वो हमारे जीवन में परिवर्तन लेके आ गई। और वास्तव में किसी ने सोचा था क्या कि कोई भी एक क्लास को सुबह सुबह कोई 6 बजे उठ के, मतलब 50,000 से अधिक लोग रोजाना उसको लाइव देख सकते हैं, लेकिन करके दिखाया, कुछ भी असंभव नहीं है दुनिया में। तो हो जाए बिल्कुल सर, तो हम जो है थोड़ा पास आ जाओ बिल्कुल सर। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, अब हम वापस बोलते हैं मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी कोई औकात नहीं। तो मंजिल को उसकी औकात दिखाएंगे दोस्तों, शेर सामने है, शेरनी सामने है, बब्बर शेर सामने है, और आप सब जो हमारे चीते हैं, रसगुल्ले हैं, शेर शेरनी है, सब हमारे साथ हम मिलकर इतिहास रचेंगे और रच